मैंने म्यूज़िक सीखा भी है, गायकी सीखी है बचपन में, कर्नाटक म्यूज़िक. तो जब भी मैं किसी म्यूज़िक शो में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर यहाँ अलग अलग सॉन्ग्स सुनने को मिला, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे. कोई अपनी दादी के लिए, कोई सोल्जर्स के लिए, कोई अपने गुरु के लिए. तो आई थॉट सम ऑफ देम वर रियली नाइस. एंड इम्पॉर्टेंटली ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रशिया से एक लड़की है नास्या. कितनी बड़ी बात है कि वो हिंदी बोलती नहीं है, उसके यू नो खून में कोई हिंदुस्तानी खून नहीं है, फिर भी वो शी इन्जॉयज इंडियन म्यूज़िक एंड दैट्स व्हाट्स ब्रॉट हर ऑल द वे हियर. इट्स इनक्रेडिबल. एक दूसरा लड़का है जो US से आया हुआ है, वो भी हिंदी नहीं बोलता, हालांकि हिंदुस्तानी है, पर जब वो गाता है तो उसके यू नो उसमें कोई एक्सेंट पता ही नहीं चलता. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. व्हाट अ वे टू यू नो रियली डिस्कवर न्यू टैलेंट एंड गिव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, सो यू नो दे कैन फॉलो थ्रू विद देयर पैशंस. एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं था, पर बेन जो है, जो US से है, उसने मेरे लिए मेरे ढोलना गाया भूल भुलैया से, और इतना अच्छा गाया. मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सॉन्ग है क्योंकि क्लासिकल बेस्ड है, और यू नो पर उसने आसानी से इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग गाया, और उसका सरगम मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ. मैंने जाके उसे हक किया. बहुत सिंसियर सिंगर लगा मुझे वो. हाँ हाँ, मैं गाती हूँ जब कोई नहीं सुन रहा होता क्योंकि मैं अच्छा नहीं गाती, पर ऑब्वियसली शौक बहुत है म्यूज़िक का बचपन में, जैसे मैंने बताया कि सीखा है. मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत अच्छा गाती हैं, तो इसीलिए कभी हिम्मत नहीं होती उनके सामने. यू नो वो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं, पर आई इन्जॉय म्यूज़िक, ऑल काइंड ऑफ म्यूज़िक, एंड क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है जी. बेगम जान का ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ, अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इतनी खुश नज़र आ रही हूँ. बस अब एक महीने में 14 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होगी, आप सबको देखना है प्लीज़. नहीं कहा, पर दैट वुड बी, आई हैव सीन द फिल्म ऑफ कोर्स इयर्स अगो, एंड आई लव द फिल्म. I loved each one of, as a matter of fact, Ila ji was in Mandi and Ila ji is in a film, so there's some connection for sure. Mahina hame ginna aata hai, par aap bhi ginna seekh lijiye. 14 April ko Begum Jaan theater mein jaake dekhiyega zarur.